यूपी में 2022 के विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई जगह घोषणाओं की बात करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार आ रही, संघर्ष कर रही हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती रही हैं और आगे लड़ती भी रहेंगी। यहाँ की जनता क्या सोच रही है कांग्रेस और अन्य पार्टियों के विषय में? 2022 के विधानसभा के चुनाव के बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस पार्टी कोई वादा नहीं करती, वो प्रतिज्ञा करती है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के तमाम प्रतिज्ञाएं किया और उन्होंने ये कहा कि जब बीच सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी हम उनको लागू करेंगे। तो यहाँ की जनप्रिय हमारी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, रायबरेली जिले की वो गौरव हैं और हम रायबरेली जनपद वासियों के लिए भी ये गौरव का विषय है कि वो इस रायबरेली जिले से वो उनका प्रतिनिधित्व इतनी बड़ी नेता का होता है। 2022 में जहाँ तक ये प्रश्न है कि 2022 में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो इस बारे में हमारा कहना है कि कांग्रेस के हमारे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता पूरी तरह से सक्रिय हैं, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और जन सरोकारों मुद्दों को की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप देखे हैं कि प्रतिज्ञा हमारी प्रतिज्ञा पद यात्रा हो रही है पूरी भी हमारी रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पाँच विधानसभा हैं, पाँचों विधानसभा में 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है पदयात्रा की। लगातार हमारा कार्यकर्ता 10 किलोमीटर पर डे का भ्रमण करता है और लोगों को भाजपा की नाकामियों को बताता है और महंगाई के विषय में बताता है कि कितनी भाजपा की सरकार में कितनी महंगाई हो चुकी है। तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है। 2022 के चुनाव में जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी अपने को उत्तर प्रदेश में सबसे आगे देख रही है, क्या लग रहा है कि यहाँ से आपकी दो विधानसभाओं में जो हरचंदपुर और रायबरेली सदर ये कांग्रेस के विधायक अभी भी हैं देखा जा रहा है, आगे क्या लग रहा है कि जो 40% का मुद्दा है प्रियंका जी का, वो यहाँ पर कितनी महिलाओं को जगह दे रहा है और कितने को अभी तक घोषणा हो चुकी है, क्या ऐसी कोई सूचना है? जहाँ तक ये महिलाओं के आरक्षण की बात है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा किया है कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% की उन महिलाओं की भागीदारी देंगी। जहाँ पर रही सदर विधायक की बात और हरचंदपुर विधायक की बात, ये दोनों विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी से जीते हैं। सदर विधायक की बात ले ली जाए तो अदिति सिंह को विरासत में राजनीति मिली और उसमें हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अदिति सिंह को महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो इतने कम कार्यकाल में उनको इतना बड़ा पद मिल गया। लेकिन वो जनता के मुद्दों जिन मुद्दों पर जनता ने उनको वोट दिया उससे वो भटक गई और भाजपा के गुणगान करने लगी। जनता अगर भाजपा का उन्होंने गुणगान किया तो रायबरेली की जनता को उन्होंने क्या दिया, रायबरेली जनता को उनका उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो जनता भी समझ रही है अब की बार चुनाव में अदिति सिंह को भी जनता जवाब देगी। जो चुनाव है अभी महिला कोई ऐसे सूचना आ रही है किसी विधानसभा से महिला का घोषणा हुई है विधानसभा विधायक के लिए, क्या है कौन विधानसभा ऐसी है कोई जानकारी है? नहीं, अभी किसी भी सीट पर रायबरेली फिलहाल हम रायबरेली की बात करते हैं तो रायबरेली में अभी किसी भी सीट पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। कैसे चुनाव का आप फाइट कर रहे हैं रायबरेली में, क्या देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव में कहां देख रहे हैं आप अपने को? यहां पर हम 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं तमाम उनके पास मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तो हमारे पास तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा की सरकार में ये बिल्कुल तरह से नाकाम रही है। हम लोग उसी के लेकर के जनता के सामने जाएंगे।